वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास टेंथ का है ये, ठीक है। पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की डेफिनेशन को अगर कहा जाए तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एफ एक्स ऑफ ए फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए एन एक्स की पावर एन, वेयर ए जीरो ए वन ए टू एंड ए एन आर रियल नंबर एंड ऑल द इंडेक्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल इन एक्स एंड द हाइएस्ट इंडेक्स एन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। तो यहाँ तक की ये मीनिंग हुई कि अगर आपको पॉलीनोमियल दिखेगा तो ऐसे इस फॉर्म में होगा, वो जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एक्स और वाई है ना, ये वेरिएबल है और इनकी जो पावर है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी नॉन नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। और जो ए बी सी हैं यहाँ पे वो आपके रियल नंबर हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो डिग्री होगी वो पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री मैंने अभी दो को रखा था, तो ये डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल यहाँ पे दो कहलाएगा, ठीक है। आगे समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ चित्र दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। तो जैसे मान लो तुम यहाँ पे कर्व को देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कर्व है एक्स एक्सिस को, जो कर्व है ये दो पॉइंट पे, यहाँ पे काट रहा है, ये जो कर्व है इसे दो पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस टू होंगे। और ये काट नहीं रहा है, ये अगले वाले चित्र में ये एक बिंदु पे टच करके जा रहा है यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस एक होंगे। ये तो काट ही नहीं रहा है तो इसके कोई संयोग नहीं होगा, नो जीरो। और अगर ये देखोगे यहाँ पे एक बार दो बार यहाँ तीन बार काट रहा है, तो यहाँ पे तीन जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था। उसके बाद हमें यहाँ पे अगला टॉपिक यहाँ दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो आपको ऐसे मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे दिखेगा आपको। और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप याद करना है बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट। ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशियंट ए है, ये जो एक्स है इसका कोफिशियंट बी है, और जो ये सी है, तो ये जो ए बी सी है इसे बोलते हैं कोफिशियंट। और जीरोज, हम जीरो जो कोफिशियंट का जो एक रिलेशन होता है वो ये होता है कि सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का जो जोड़ होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल आता है, ठीक है। इफ़ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज अल्फा एंड बीटा, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज अगर अल्फा बीटा हो, तो पॉलीनोमियल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू के, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी हम ऐसे याद करेंगे। क्वाड्रेटिक कैसे निकालने के लिए एक्स स्क्वायर लेंगे प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और फिर प्लस का निशान अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने में काम आता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्यूबिक पॉलीनोमियल भी कभी कभी हमारे पेपर में काम का होता है और एग्जाम में आ जाता है। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल में फंक्शन जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है आपकी ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज याद करेंगे तो वो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज याद करेंगे तो वो आपका होता है वही सी अपॉन ए, और इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम तो वो आपका सी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस डी अपॉन ए होता है। और यहाँ पे बता रखा है अगर आपको तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों अगर आपको जीरोस पता है तो आप पॉलीनोमियल कैसे निकालोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप k मल्टीप्लाई एक्स की क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर एक आएगा, यहाँ कोई एक्स नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अभी तक पढ़ लिया कि जीरोस ग्राफ से देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखना और फिर क्यूबिक पॉलीनोमियल देखना, हमने इतना सीख लिया। एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे इसमें,
पहले यहाँ जाते हैं, तो यहाँ से हमें लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने पढ़ा है कि डिविडेंड जो होता है, ठीक है, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी में फिर हमें रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से याद करनी पड़ती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या याद करना, इसमें सीधा सवाल होता है, लिखा है कि इफ़ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड ए बी ए रियल नंबर, तो देन इफ एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए, तो देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए। फाइंड द रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर याद करना है, एफ एक्स दे रखा है, इसको डिवाइड करना है जी एक्स से। तो देखो जी एक्स से डिवाइड देने के लिए जी एक्स को जीरो पुट कर लेंगे, तो एक्स प्लस टू को जीरो पुट कर लेंगे, और जीरो पुट करने से ये उधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आ जाएगा, और माइनस टू एक्स की वैल्यू यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे, तो सोल्व करने पे 27 आ रहा है। तो ये आपका रिमाइंडर है, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पेपर में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी आ जाती है, तो बहुत आसान होता है ये। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एफ एक्स दिया होता है और उसमें कोई वैल्यू दिया होता है कि पुट करना है सब्स्टिट्यूट, तो वो आपको पुट कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देख रखा है, एफ एक्स ये दे रखा है आपको पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक्स के लिए वन बोला था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन पुट करना है, तो आपकी वैल्यू 18 आ जाती है। इसी को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या कहा जाता है, फैक्टर थ्योरम में कहा जाता है कि कोई एफ एक्स दिया होता है और उसके अंदर क्या पुट किया जाए कि वो जीरो दे दे वैल्यू, तो हम जो भी एक्स की वैल्यू निकाल के जो पर्सन में दी होगी उसको हम वहाँ पुट करेंगे, और पुट करने पे अगर वो वैल्यू जीरो दे रहा है, जैसे एक पुट करने पे जीरो आ रहा है, दो पुट करने पे भी जीरो आ रहा है, तो एक और दो जो है इसके जीरोस कहलाएंगे, और फिर ये जो एक्स माइनस ए से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था।